हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। चलें आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। मोस्ट प्रोबेबली आज चांद रात हो जाएगी, तो आज मैं आपको चांद रात की सारी डिटेल्स बताती हूँ कि आज हम क्या क्या करेंगे। सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड वॉच दिस वीडियो टिल द वेरी एंड। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अब हम जा रहे हैं पार्लर, क्योंकि पार्लर जाना बहुत ज़रूरी है। अगर आज चांद रात हो जाती है तो वो काम रह जाएगा, इसलिए हम बैठ गए टुक टुक में एंड वी हैव रीच्ड टू आवर डेस्टिनेशन। पार्लर में इतनी वीडियोस बनाना अलाउ नहीं होती हैं, तो फिर मैंने छोटे छोटे जो मैं क्लिप बना सकी वो बनाई हैं। इट्स अ वुमेंस पार्लर, इट्स अ क्वाइट ओल्ड पार्लर, आई थिंक 1960 से है ये पार्लर। हमारे घर से करीब है, वॉकिंग डिस्टेंस पे है, सो इसलिए मैं यहाँ पर आई हूँ। लाउड लाउड अप अबव द वर्ल्ड, सो हाय, वेरी गुड। काफ़ी देर ख्वार होने के बाद, ऑलमोस्ट अपना दिन ज़ाया करने के बाद, हम लोग पार्लर से निकले और देन हम दुपट्टे की शॉप में चले गए। हमें याद आया कि ईद के जो ड्रेसेस लिए हैं उसके साथ दुपट्टा भी नहीं है, क्योंकि आजकल ब्रांड्स में अजीब है कि शर्ट्स के अलग प्राइसेस होते हैं, ट्राउज़र अलग प्राइस के मिल रहे होते हैं, दुपट्टे अलग होते हैं। तो हमने जो कलर चूज़ किया है उसके काफ़ी यूनिक कलर था, तो उसके दुपट्टे मिलना बहुत मुश्किल था। फाइनली मुझे तो मिल गया, बाजी का अभी भी रहता है। अभी मैंने ये क्लिप इसमें ऐड कर दिया, ये मेरी बहन की ईदी है जो हम लोग लेकर गए थे, तो मैंने ऐसे ही ये भी शूट कर दिया था। मैं आपको पूरा दिखा नहीं रही हूँ क्या क्या चीज़ें उसमें, सो मैं इसको पैक करी थी, तो मैंने कहा इसकी भी वीडियो बना दूँ। मुझे कोई ख़ास एक्सपीरियंस नहीं है यूट्यूब में वीडियो बनाने का, इंगेज रखने का ऑडियंस को, या बहुत अच्छी ऑडियो चलाने का, बहुत अच्छे अंदाज में बोलने का। ऑब्वियसली द पीपल हु आर डूइंग इट, दे आर डूइंग देयर बेस्ट, और वो ज़रूर यकीनन जो है बहुत मेहनत करते होंगे, बहुत सर्चिंग, बहुत उन्होंने बड़ी बड़ी टीम्स रखी हुई हैं, और हर किसी का स्टार्ट ऐसे ही होता है आई बिलीव। मैं शुरू में डीमोटिवेटेड हो गई थी, क्योंकि मेरे सब्सक्राइबर्स बहुत बहुत कम से देर से बढ़ रहे हैं, और वीडियोस बहुत सारी डालने के बाद बढ़ रहे हैं, और व्यूज़ बहुत कम आ रहे हैं। सो मैंने कहा दिस इज़ नॉट माय थिंग, आई कैन नॉट डू इट। हालांकि मैंने ईद के बहुत सारे इफ्तार के, सहरी के व्लॉग्स बना के रखे हुए हैं जो मैंने पोस्ट नहीं किए, ट्रस्ट मी। लेकिन फिर मैंने अपने आप को समझाया कि इतनी जल्दी जज नहीं करना चाहिए, मुझे एटलीस्ट एक महीना दो महीना मैं इस प्लेटफॉर्म को दूँगी। इफ़ आई विल बी सक्सीडेड दैन इंशाल्लाह आई विल कंटिन्यू इट, अदरवाइज आई वॉन्ट, आई विल स्विच माई सेल्फ टू समथिंग एल्स। फिर मैं समझ जाऊँगी कि दिस इज़ नॉट समथिंग जो मेरे लिए है, जो मैं समझ सकती हूँ। मैं इतनी जल्दी इस प्लेटफॉर्म को जज नहीं कर सकती। मुझे बेसिकली बहुत शुरू से ही वीडियोज़ बनाना, उसमें पीछे वॉइस ओवर डालना या कोई ट्रेंडी ऑडियो डालना बहुत पसंद है। मैं टिकटॉक में भी वीडियोस बनाती थी पहले, उसके बाद जो है यूट्यूब में मैं एजुकेशनल वीडियोस बनाती थी। फिर देन माय सिस्टर सजेस्टेड मी डैट दिस इज़ समथिंग नॉट रियली इंजॉइंग और नॉट प्रोवाइडिंग एनी इंटरटेनमेंट टू द पीपल, सो यू शुड मूव टू यू नो व्लॉगिंग काइंड ऑफ अ थिंग दैट पीपल कैन रियली रिलेट टू। तो मुझे काफ़ी रिस्पांस मिला, काफ़ी व्यूज़ मिले शुरू की व्लॉग्स में, उसके बाद नहीं मिले क्योंकि आपका ग्राफ अप एंड डाउन होता रहता है, एंड दैट इज़ नॉट द केस कि आपका ग्राफ हमेशा अप ही रहे। आपको पता चलता है कि किस तरह का कंटेंट बनाना है। सो मुझे अभी तक इतना ख़ास आइडिया नहीं हुआ यूट्यूब का कि किस तरह का ऑडियंस चाहती है व्लॉग देखना, किस तरह की इंगेजमेंट देखती है, क्योंकि आई बिलोंग फ्रॉम द वेरी मिडिल क्लास फैमिली, आई डू नॉट हैव अ लॉट ऑफ एक्साइटिंग थिंग्स टू डू। एनीवेज हम उसके बाद जा रहे थे शाम में अपनी सिस्टर के घर, और आई एम रियली एक्साइटेड। सो या मैं इसी तरह के व्लॉग आपको बना सकती हूँ जो मैं डे टू डे अपने दिन में करती हूँ, आई कैन नॉट फेक इट, सो दैट इज़ हु आई एम। आई थिंक यू गाइज कैन रियली रिलेट टू, सो प्लीज़ 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 डू सब्सक्राइब टू माई चैनल, लाइक दिस वीडियो एंड डू टेल मी इफ़ यू लाइक दिस, लाइक माई ब्लॉगिंग और नॉट, या मुझे कोई सजेशन देनी हो, मुझे कोई इम्प्रूवमेंट के लिए बताना हो, तो प्लीज़ आई वुड लव टू हेयर दैट। फाइनली हम लोग बहन के घर से होकर वापस घर पे आ गए, और फिर टीवी देखा तो 8:30 बजे तक जो है ईद का ऐलान हो गया। फिर सारे काम करने के बाद एंड में हमने लगवाई मेहंदी, वो भी नेबर में किसी से लगवाई थी, तो वो इतनी प्रोफेशनल नहीं थी, एक हाथ में लगवाई एक हाथ में नहीं लगवाई। आई होप यू लाइक दिस व्लॉग, बाय।